स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। मैं हूं प्रभाष मिश्रा, आ गया मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो मंदी का दौर चल रहा है, काफ़ी बियरिश मार्केट है, मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में निकालने हैं, वॉच लिस्ट में लगा के रखने हैं कि जैसे ही मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, जैसे ही आपके ट्रेंड रिवर्सल आता है, जैसे ही ग्लोबल क्यूज अच्छे होते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है, तो आपको किन स्टॉक्स में तब निवेश करना है, उसी के लिए हम लोग एक स्टॉक लाए हैं। ये अब मानते हैं हम कि ये पैनी स्टॉक है, इसमें अभी निवेश की कोई राय नहीं है, आपको केवल इसे वॉच लिस्ट में लगा लेना है। और वॉच लिस्ट में जैसे ही ग्लोबल क्यू सही होते हैं, तब आपको इसमें से 2 से 3 साल की अवधि के लिए, अगर ये स्टॉक आप अपने पास होल्ड करते हैं, तो आपको यहाँ से कम 30 से 40% के रिटर्न मिल सकते हैं 2 से 3 साल। यानी कि जितने भी आपको लॉसेस हुए हैं, वो आप 2 से 3 साल के लिए अवधि। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि ये मार्केट जब तक स्टेबलाइज ना हो जाए, वॉच लिस्ट में ये स्टॉक आपको रखना है। इसके अलावा हम लोग एक वीडियो बनाना चाहते हैं, कि हम लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको पोर्टफोलियो, एक हम लोग एक पोर्टफोलियो आपके स्टॉक्स बना के दें, कि जिसमें कई सारे स्टॉक्स होंगे जो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो, तो आप इस वीडियो में अगर 1000 लाइक देते हैं तो हम वो वीडियो ज़रूर लाएंगे, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी लाएंगे, जितनी जल्दी इस वीडियो पे 1000 लाइक पूरे हो जाते हैं। तो आज एक ऐसे स्टॉक की बात मैं करने जा रहा हूँ जिसमें आपका वैल्यू 4 रुपये के आसपास इस स्टॉक की है, और स्टॉक के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट्स इसमें इंक्रीमेंट्स होते ही चले जा रहे हैं। इनके रेवेन्यूज़ देखिए कितने ज़्यादा इंक्रीमेंट होते चले जा रहे हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए 2016, 2017, 2018, 2019 रेवेन्यूज़ काफ़ी इंक्रीमेंट हो गए हैं। जो एक समय 3.71 होते थे वो अब हो गए 5.24। इसके अलावा ना केवल रेवेन्यू के और प्रॉफिट भी देखिए इनके कितने गजब के इंक्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं इनके प्रॉफिट्स में, और ये स्टॉक आपको मात्र 4 रुपये की कीमत पे मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर लोगों की क्या राय, यानी कि एनालिसिस की क्या राय है इस स्टॉक पे, तो 75% लोग मानते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक हो भी सकता है, तो ये एनालिसिस की राय है जो कि बहुत सही मैं मानता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये सेक्टर का पी देख लीजिए आप 41 है, और स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, 6.29 के पी पे मिल रहा है स्टॉक, यानी कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। यहाँ से अगर वो छोटा भी रिटर्न देगा तब भी वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। नेक्स्ट चीज़ इस स्टॉक की सबसे प्यारी जो है कि अगर आपको रिटर्न्स मिले, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप सबसे पहले नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं कि एक तो देखेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। सेकंड आपका जो रिटर्न होता है वो आता है यील्ड से, तो वो क्या होता है आपका डिविडेंड के थ्रू, तो 6.38% का डिविडेंड बांटती है कंपनी, 6.838% का, जो कि बहुत बढ़िया बात है कि अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हो तो आप डिविडेंड से ही इतना पैसा कमा लोगे, जो आप रिटर्न अगर आपको मिले ना मिले डजंट मैटर, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है स्टॉक की। अब स्टॉक की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं ट्राइडेंट, और बहुत लोगों के पास स्टॉक है तो उन्हें होल्ड करना चाहिए, होल्ड है अगर आप करे बैठे हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी अब तक जिसने बाइंग नहीं करी है, तो आप लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप लोग कुछ स्टॉक्स की, यानी जो आप लोग को लॉसेस हो रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखिए, जब भी ये चीज़ें यानी कि विद इन अप्रैल या फिर मई या फिर आने वाले किसी भी दिन, जैसे ही किसी भी अच्छी ग्लोबल क्यूज की न्यूज़ आती है और चीज़ें अच्छी ट्रैक पे आना शुरू होती हैं मार्केट में, तो आपको किन स्टॉक्स में निवेश करना है उसके लिए एक लिस्ट बना के बैठ जाइए। तो इसमें वन ऑफ द गुड स्टॉक ये है आपका ट्राइडेंट, तो ट्राइडेंट को ना भूलिएगा, चूँकि ये स्टॉक जैसे ही ग्लोबल क्यू सही होंगे तो ये वैसे ही आपको अच्छे इंक्रीमेंट दे सकता है। बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो 2 से 3 साल का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मान के चलिए चूँकि आपको डिविडेंड देने वाली कंपनी मिल रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।